आई एम सर फहीम फ्रॉम डोलिना पब्लिक स्कूल. आई टीच मैथमेटिक्स. काउंट डाउन बुक नंबर 4 क्लास 4. प्लीज ओपन द बुक पेज नंबर 6 एक्सरसाइज 1A. एक्सरसाइज 1A के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. नंबर 1 में A पार्ट है इन यूनिट 10 100 1000 10000 100000 मिलियन 10 मिलियन. अब हमने सिर्फ 8 को बताना है. इसकी वैल्यू जो है द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इज 8 जो है उसकी वैल्यू कितनी है उसको हमने यहाँ पे फिल करना है. अब हम इसको फिल कर प्रोपगेट करते हैं. यूनिट 10 100 1000 10000 100000 यानी 100000 जो है वो आपकी जो है वैल्यू है जो कि हमने बतानी है. हमारे पास जो है 8 जो है वो 100000 में है, लिहाजा यहाँ पर हम जो लिख देंगे 100000. यूनिट 10000 यह हमने यहाँ पर फिल कर दिया 100000. सेकंड में आइए. सेकंड में जो है ये देखें वैल्यू लिखी हुई है. अब हम इसको एक वैल्यू के अंदर लिखेंगे. इसका हमें इसमें उसमें हमें कोई इक्वल का साइन दिया जा रहा है कि ये वैल्यू कंप्लीट किसके इक्वल होगी, यानी कि इसके अंदर इस वैल्यू को ऐड करना है, उसके बाद इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है. अब इस ऐड को करने के लिए सबसे पहले जो हम यूनिट्स की तरफ से नोट करना शुरू कर देंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन में गलती नहीं होगी. यानी वंस में क्या है यहाँ पर हमारे पास 9. सबसे पहले हमने 9 नोट कर दिया. उसके बाद अब देखिए यहाँ पर है 50, सही ना. तो अब इसमें से हम वंस तो ले चुके हैं, सही. सिर्फ यहाँ पर अब लिखा जाएगा 5. उसके बाद आइए, अब हम यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स ले चुके हैं. अब यहाँ पे कौन सा नंबर आया, 4 लिख दिया. अब हम यहाँ तक जो है 3 नंबर्स ले चुके हैं, सही. तो यहाँ हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो 0 आ रहा है. अब आप ये देखिए कि 3 नंबर्स मौजूद हैं उसके बाद. उसका फिर देखते हैं हम क्या है हमारे पास. उसका फिर हमारे पास जो है फिर 0 आ रहा है. यानी कि 4 डिजिट्स लेने के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट्स ले लिए जब हमने, तो उसमें हमारे पास जो नंबर आया वो 0 है. या हमने फिर 0 लिख दिया. उसके बाद हमारे पास जो नंबर आ रहा है हमने ये 1 2 3 4 5 तक लिख लिया. 1 2 3 4 5 तक लिख लिया. अब जो नंबर हमारे पास 2 आ रहा है 2 लिख लिया. उसके बाद क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर तक लिख लिया. अब हमारे पास 7 नंबर जो हम देखेंगे कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 तक हो गया. 7 जो है यहाँ पे 5 आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर 5 लिख दिया जाएगा. ओके अच्छा अब आते हैं हम सी पर. इंसर्ट स्पेस एक्सप्रेस 7258952 13 इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है. इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वही आपको करना पड़ेगा. यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम यूनिट 10 100 100 तक अलग कर देंगे, सही है. उसके बाद यूनिट 10000 के नंबर अलग कर देंगे. और उसके बाद यूनिट 10000 उसका 100000 के बाद फिर हम आगे चलेंगे मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन. यानी कि यहाँ पर जो आएगा हमारे पास 7 मिलियन 25 है.
तो यानी कि हम यहाँ जो स्पेस देंगे वो 725 मिलियन के बाद स्पेस देंगे, 725 895, यहाँ पे हमने स्पेस दिया है। थोड़ा सा और स्पेस बढ़ा देते हैं ताकि आपके क्लियर हो, 895, और सबके हम जो स्पेस देंगे वो 213 स्पेस देंगे। ये इंटरनेशनल फॉर्म में आ गया, ओके। उसके बाद डी में आइए, द प्लेट इज ऑफ 800001001। अब इसमें जो है आपने इससे प्रेडिसेसर कहते हैं इससे पहले का प्री, पहले यानी कि इससे पहले क्या नंबर आ सकता है, इससे पहले जो नंबर है वो मौजूद आगा, हम इसमें से वन माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका प्रेडिसेसर नंबर आ जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ 800001000। आप ये देखिए अगर हम इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो यही आएगा, लिहाजा इसका प्रेडिसेसर नंबर ये आ गया। उसके बाद सेकंड में आइए, ई में आइए, द सक्सेसर कामयाब आगे वाला नंबर ऑफ 2316999, इसके आगे नंबर जो हमने बताना है वो कौन सा होगा, तो इसके लिए इसमें हम वन ऐड करेंगे, इसका नाम वन ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका सबसे आगे का नंबर हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 2311। आप इसको रफ में भी कर सकते हैं, यानी कि आप पूरा लिख लें 2316999। अब आप इसके साथ सिर्फ वन ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये फिर सिक्स की जगह सेवन बन जाएगा, और बाकी नंबर फिर उसी तरह वही रहेंगे, उसमें कोई ऐड नहीं होगा। लिहाजा हमारे पास जो नंबर आ गया वो 2317000। क्लियर है बन? अच्छा जी, उसके बाद थ्री में आ जाएं, क्वेश्चन नंबर थ्री में सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जो नीचे दिए गए हैं उसमें से हमने सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही है। द प्रीडेज ऑफ 6115999, यानी कि इसमें से एक नंबर पहले हमने बताना है वो कौन सा होगा। हमारे पास नंबर है यहाँ पे 60, ये वाला नंबर नहीं है 61। अब हम इसको 61 को देखते हैं, क्या इससे एक नंबर कम करना है, हमने इसमें सिर्फ हमने एक नंबर कम करना है, यानी हमारे पास 98 होना चाहिए, हमारे पास 98 होना चाहिए, 89 है ये भी नहीं है, ये आप देखें यहाँ पे 998 आ गया, यानी 98 यही नंबर जो है वो प्रीडिसेसर नंबर है इसका, लिहाजा हमने इसको टिक कर दिया। सेकंड में आ जाइए, सेकंड में है 8,490,000 इन फिगर्स, इसको जो है फिगर्स में हमें बताना है कि 8,400,000। अब हम सबसे पहले 8,400,000 ढूंढेंगे और उसके बाद हम जो है थाउजेंड में जाएंगे एंड 90,000 इन फिगर्स, हमने 90,000 फिगर्स में बताना है। अब हम यूनिट 10 करते हैं, यूनिट 10, 100,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 80 मिलियन तो है सही है, लेकिन 80 मिलियन में जो है मसला यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास जो है एंड 90,400 भी आ रहा है हमारे पास, 400 भी आ गया हमारे पास। अब देखें 90,000 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम इसको 90,000 वाले नंबर को चेक करेंगे, यूनिट 10, 100,000, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 90,000 आया हमारे पास, जो आया नंबर हमारे पास ये 90,000 आया, जबकि हमें 400 भी चाहिए, हमें यहाँ पर हमें 400 भी चाहिए, लिहाजा 400 में जो नंबर आएगा वो आएगा ये वाला, यूनिट 10, 100,000, यूनिट 10, 100,000, ये तो 9,000 हुआ और जबकि ये वाला 90,000 हुआ, यूनिट 10,000, 100,000, यूनिट 10, 100,000
90,000, लिहाजा हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया 80 मिलियन, फर्स्ट को हमने टिक कर दिया। इसी तरह आप इसका सी डी इस तरह इसको, लेकिन अलग अलग हैं, आपको मैं खुद बताऊंगा फिर। अब इसमें देखें सी में आ जाइए, आप सी में सक्सेसर, सक्सेसर जो है वो कामयाब के लिए, यानी कि इससे बड़ा नंबर बताना है, यानी कि ये हमारे पास गिवन नंबर है 549621111 हमारे पास नहीं होना चाहिए, तमाम वैल्यूज़ यही मौजूद होनी चाहिए, लेकिन लास्ट में जो है उसके बाद जो है ये नंबर बड़ा होना चाहिए, इससे इससे जो भी एक बड़ा नंबर हो, एक हो या इससे उससे हो, कोई मज़ीद मज़ीद बड़ा ना हो फिर, सही। तो हम आते हैं उसके लिए, यहाँ पर हमारे पास 54 है, यहाँ पास 55 है, ये तो थाउजेंड्स में फ़र्क है, बड़ी बड़ी वैल्यू में फ़र्क है, इसको भी छोड़ दें, उसका 54 ये देखें, 54 इसमें आइए, 54 अब देखें, आप देखें यहाँ पर, आप देखें कि 1 4 5 4 5 4 9 6 2 111 और यहाँ पर 112, यानी इससे अगला नंबर यही है, लिहाजा हमने इसको टिक कर दिया। उसके बाद आ जाइए आप 8 4 6 3 1 1 रिटर्न इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब हम देखते हैं कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए, वही आपको पहले इससे पहले बताया गया था कि कौन से क्वेश्चन में, अच्छा आपको इसमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया, चलें पिछ प्रीवियस क्लासेस में आप इसको पढ़ चुके हैं, 8 4 6 यूनिट 10 100 10,000 100,000 मिलियन, सही। तो हम मिलियन की सूरत में आ जाते हैं, अब हम देखते हैं सबसे हमें मिलियन में आना पड़ेगा, ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास तब 8 मिलियन में ही हैं, लेकिन अब हमने इन तमाम वैल्यूज़ को देखना है कि ये तमाम वैल्यूज़ जिसको जिसमें पूरी मौजूद हों। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये मौजूद है, उसके बाद हम इस वाले, ये नंबर तो ऑलरेडी पहले छोटा है, इसको तो हमने कैंसिल कर दिया, इसको हमने, ये हो ही नहीं सकता आंसर इसका, सही। उसका हमने सेकेंड नंबर पर आ गए थे, सेकेंड नंबर में हमने देखा कि 8 के बाद फिर उतने नंबर 0 आ गए, उसका हम देखते हैं कि 4 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 सही है, ये नंबर भी आ गया हमारे पास। उसके बाद आते हैं हम 6 पर आते हैं, 6 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये भी आ गया हमारे पास। उसके बाद आते हैं हम 3 में, 3 के बाद कितने नंबर, 3 नंबर्स हैं, 1 2 3 ये भी आ गया हमारे पास, करेक्ट है ये। उसके फिर हमने 1 आ गया, 1 के बाद इसमें कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, ये भी करेक्ट आ गया। उसके हमने फिर हम देखा कि हमारे पास फिर आ रहा है हमारे पास 1, और 1 के बाद डायरेक्ट 0 आ गया, लिहाजा ये जो है वो दुरुस्त आंसर है। इसके बाद नंबर ई में आ जाइए, इसमें हमने फिर प्रीडिजिट नंबर बताना है, यानी इससे छोटा नंबर बताना है, इससे छोटा यानी कंप्लीट ये नंबर हो, और उसमें इससे जो छोटा नंबर इनमें नीचे जो मौजूद होगा उसको हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट के लिए हमने हमने देखा 7 8 सब में आ रहा है, 4 3 7 8 4 3 7 8 4 3 7 8 ये 3 4 अलग नंबर्स आ गए, 4 3 को हम देखते हैं कि हम इसको टच मारते हैं, क्या ये इससे एक नंबर अगर हम माइनस कर दें तो ये आएगा। अब देखिए 7 8 4 3 0 0 1 अगर इसमें से हम 1 माइनस करें तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आएगा डेफिनेटली, लिहाजा हमने इसको टिक कर दिया। उसके बाद पेज नंबर 7 पे आ जाइए, पेज नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 11 पे, 11 में जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद, ये जो साइन है ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, और ये इक्वल का साइन है, इन तीनों साइन में से इनको फिल करना है कि कौन सा साइन किस में आएगा, सही है। नंबर 1 6 9 8 4 5 2 9 6 8 9 4 5 2 9 क्या बताइए इसमें से कोई बड़ा या छोटी वैल्यू है, ये छोटी है या ये छोटी है, या ये बड़ी है या ये बड़ी है, या दोनों जो हैं सेम हैं। आप देखें कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं, लिहाजा हमारे पास जो आंसर आएगा वो इक्वल का साइन आएगा। यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ करेंगे हम, इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद बी पार्ट में आ जाइए, बी में हम देखते हैं 4 5 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में जो है, अभी मैंने आपको जैसे यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, इक्वल का साइन नहीं आएगा, उसकी वजह है
हम इसको यूनिट 10 करते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 6 मिलियन, इसमें भी 6 मिलियन है, सही है। लेकिन आगे आप देखिए, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, यहाँ पर है 98,000, मेरे से देखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने भी नहीं देखा, और ये जो है 89,000 है, 89,000 जो है वो छोटी वैल्यू है और 98,000 बड़ी वैल्यू है, लिहाजा यहाँ पे जो साइन यूज़ होगा वो ग्रेटर देन, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, लिहाजा यहाँ पर साइन ग्रेटर देन का यूज़ होगा। 98 बड़ा है और 89 छोटी वैल्यू है, लिहाजा ग्रेटर देन ये वैल्यू इससे बड़ी है। ओके, आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 45 मिलियन, सही। इसमें हम देखते हैं यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 45 मिलियन, यानी 45 मिलियन तो इसमें भी दोनों बराबर हैं। उसके अब हम देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 8 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, सही। उसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर ये 00 आ गया, यानी ये 0 आ गया और यहाँ पर 10 आ गया, यानी कि इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी हुई। इसका अब हम आपको बताते हैं, आपको देखिए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 800,000 आया यहाँ पर, और यहाँ 810,000 और यहाँ पर कितना है, सिर्फ 8,000, तो लिहाजा ये वैल्यू जो है वो छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, लिहाजा ये लेस देन इस वैल्यू से है, सही। तो फिर सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ये 800 है जबकि यहाँ पे 810 है, सही है, 1000, तो उस सूरत में ये वैल्यू जो है बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, लिहाजा यहाँ पर जो साइन होगा वो लेस देन का साइन यूज़ होगा, लेस देन किससे, इससे छोटी है। ओके, अब आते आगे चलते हैं हम सी पर, सी पर आते हैं हम, अब वैल्यूज़ को चेक करें, यहाँ पे देखें 359 सेम है, 412 भी सेम है, अब यहाँ पर जो है 025, यानी कि आखिर में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो सिर्फ 25 है, जबकि इसमें जो है हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 125 है, 120 बाकी तमाम फिगर्स जो हैं वो सेम है, सही। अब ये बताइए कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, डेफिनेटली ये नंबर बड़ा है, लिहाजा इसके लिए भी जो साइन होगा लेस देन का होगा, कि लेस देन किससे, लेस देन इससे जो है, लेस देन इस वैल्यू से लेस देन, ये छोटी वैल्यू है इससे। आगे चलते हैं, आगे आप देखिए कि 6800152 जो कि सेम है, इसमें कोई फिगर में तब्दीली नहीं है, लिहाजा यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज़ होगा। आगे चलते हैं, आगे हमें शुरू में ही पहले ही नंबर में फ़र्क मिल गया है कि यहाँ पर हमारे पास 99 है जबकि यहाँ पर 100 है, 985 है, 263 है एंड यहाँ पर 265 है, 99 छोटी वैल्यू है, 100 जाहिर सी बात है बड़ी वैल्यू है, लिहाजा ग्रेटर दैन 100, 985, 260 ग्रेटर देन दिस वैल्यू, इसकी से बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे आपका 11 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 में देखें अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स, असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है हमने, असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखने के लिए याद रखिए कि हमने छोटी वैल्यू को पहले लिखना है और बड़ी वैल्यू को सबसे बाद में लिखना है। तो हम यूनिट 10 कर लेते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 45 मिलियन, इत्तफाक से इसमें 45 मिलियन, इसमें 45 मिलियन। लेकिन अब हम देखते हैं कि फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे उस
मिलियंस की सूरत में तो तीनों बराबर हैं, इक्वल हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि छोटी है कौन सी असल में, सही है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 308,000, यहाँ पर है 288,000 और यहाँ पर है 298,000। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वही 288,653 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू हुई। लिहाजा इस वैल्यू को हम सबसे पहले लिख देंगे 4,528,8,653। उसका हम सेकेंड वैल्यू देखें, हम सेकेंड वैल्यू कौन सी है। अब यहाँ पर है 308,000 और यहाँ पर है 298,000, लिहाजा सेकेंड वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी 4,529,8,653। उसका फिर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू फिर आपको खुद डेफिनेटली पता लग रहा है कि वो 3,000 आ रहा है, सही है। 308,000 आ रहा है जो कि सबसे बड़ी है इन तीनों में, लिहाजा वो सबसे आखिर में आ जाएगी 4,538,653। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गई, यानी सबसे पहले हमने छोटी वैल्यू को लिखा और उसके सबसे आखिर में हमारे पास बड़ी वैल्यू गई। इस तरह ये छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ हम गए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की तरफ गए जो कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया। इस तरह आप इसका सेकंड बी पार्ट खुद करेंगे, सही है, ओके। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं हम नंबर 14 में जिस तरह असेंडिंग ऑर्डर्स है, जिस तरह असेंडिंग ऑर्डर्स को फिल सॉल्व किया जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स बिल्कुल इसका अपोजिट है। यानी कि सबसे पहले जो है सबसे बड़ी वैल्यू लिखी जाएगी और सबसे आखिर में सबसे छोटी वैल्यू। अब आप इसके लिहाजा 14 क्वेश्चन का ए बी पार्ट आप खुद सॉल्व करें, ओके। और इस तरह की एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो गई है।